हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर मोस्ट वेलकम टू 12th क्लास केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम। स्टूडेंट्स, इन चैप्टर 6 मेटलर्जी वी आर स्टडी अबाउट कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। प्रीवियस वीडियो में आपको कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बारे में एक्सप्लेन किया था, और स्टूडेंट्स मैंने बोला था कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में हम कुछ डिफरेंस बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो, फटाफट से देख लेते हैं उसके अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में डिफरेंस पूछ लिया जाता है, 1 मार्क का क्वेश्चन आता है इसका, ये ठीक है ना। तो देखो, डिफरेंस बिटवीन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग, ठीक है ना। तो इधर लिख देता हूँ मैं कैल्सिनेशन, और यहाँ पर लिख लेते हैं रोस्टिंग। फर्स्ट पॉइंट चेक करते हैं कैल्सिनेशन में। देखो, कैल्सिनेशन की प्रोसेस आपने की थी, तो कैल्सिनेशन में आपको एयर की प्रेजेंस थी या एब्सेंस थी, ध्यान करिए। कैल्सिनेशन की जो प्रोसेस होती है उसमें एयर की क्या होती है, एब्सेंस होती है, ठीक है ना। कैल्सिनेशन की प्रोसेस को एयर की एब्सेंस में करते हैं, और इसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज रिमूव होती है वो सब की सब कौन सी होती हैं, वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होती हैं। और इसमें जो आपका मेटल ओर है उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंज भी नहीं होता है कैल्सिनेशन प्रोसेस में, क्योंकि एयर एब्सेंस रहती है। और रोस्टिंग प्रोसेस जो होती है वो एयर की प्रेजेंस में होता है, और एयर की प्रेजेंस में होने के कारण स्टूडेंट्स इसमें केमिकल चेंज हो जाता है, और केमिकल चेंज जैसे ऑक्सीडेशन होता है, इसमें रिडक्शन हो सकता है, क्लोरीनेशन भी हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि सिल्वर ग्लांस का जो ओर था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, हॉर्न सिल्वर में, यानी कि Ag2S कन्वर्ट इनटू AgCl। ओके, तो ये डिफरेंस होता है, ये नोट कर सकते हैं आप लोग। तो इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं, इट अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और इसमें क्या लिख सकते हैं, इट अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ द एयर, ये एयर की प्रेजेंस में होता है। नंबर टू जो इसमें डिफरेंस हो सकता है, स्मॉल मॉलिक्यूल लाइक क्या, मॉइस्चर, CO2 और SO2, ठीक है ना, ये इम्प्योरिटीज तो रिमूव होती हैं। आर इवॉल्व्ड एंड नो केमिकल चेंज एंड नो केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। इसके अंदर से जो इम्प्योरिटीज रिमूव हुई है वो है क्या, मॉइस्चर, CO2 गैस, SO2 गैस, ठीक है ना, कोई केमिकल चेंज नहीं होता है। और इसके अंदर क्या होता है, केमिकल चेंज टेक्स प्लेस ड्यूरिंग रोस्टिंग, रोस्टिंग प्रोसेस के दौरान क्या होता है, केमिकल चेंज होता है, और किस तरह का होता है, ऑक्सीडेशन हो सकता है, क्लोरेशन हो सकता है, क्या हो सकता है, लाइक ऑक्सीडेशन, क्लोरीनेशन एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप ये यहाँ पर डिफरेंस चेक कर सकते हो, एट्सेट्रा, आर अकर्स, ठीक है ना। तो ये दो डिफरेंस हो गए स्टूडेंट्स।
तो आप नोट करिए इनको, और इसके बाद बात करते हैं हम जो कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस को कंप्लीट करती है वो एक फर्नेस है, और उस फर्नेस का नेम क्या है, रिवर्बरेटरी फर्नेस। तो देखो स्टूडेंट्स, ये रिवर्बरेटरी फर्नेस किस प्रकार से होती है, रिवर्बरेटरी फर्नेस, ये कई बार क्या होता है स्टूडेंट्स, इसका जो डायग्राम है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है रिवर्बरेटरी फर्नेस का, ठीक है ना। तो देखो इसका डायग्राम मैं ड्रॉ कर देता हूँ, और डायग्राम को आप ढंग से चेक कर लेना। ये इस तरह का रिवर्बरेटरी फर्नेस बनाएंगे हम। फिगर को ढंग से देखेंगे, ठीक है ना। इसकी जो रूफ होती है उसको कुछ अलग से बनाते हैं, इसकी जो रूफ होती है उसको कुछ थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से ड्रॉ करते हैं, क्योंकि रूफ जो होती है इसकी वो होती है कॉनकेव। देखो थोड़ा जल्दी हो जाए इसलिए मैं डायग्राम को वीडियो को पॉज करके बना रहा हूँ, है ना। लेकिन कुछ स्टेप्स हैं जिनको आपको मैं बता देता हूँ। आप लोग ध्यान से चेक करेंगे, ठीक है। फर्नेस का फिगर इसमें ये जो इसका रूफ होता है ना, ये थोड़ा सा कॉनकेव टाइप में होता है, ठीक है ना। कैसी होती है, कॉनकेव टाइप में। और देखो यहाँ पर इसका जो वो होता है फायर सेट स्टेशन होता है, यहाँ से इस यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ पर आपका फ्यूल रखा होता है, इसके अंदर जो भी फ्यूल है आप यूज़ करते हो, और यहाँ पर इस फ्यूल का जो वेस्ट मटेरियल यानी कि आस वगैरह वो रखी होती है। स्टूडेंट्स इस फर्नेस के अंदर एयर को पास करने के लिए कुछ होल्स बने होते हैं। मैं होल्स यहाँ भी बना सकता हूँ, यहाँ भी बना सकता हूँ, आप देखो मैं किस तरह से ड्रॉ कर रहा हूँ। और यहाँ से आप ओर को डालने वाले हो इसके अंदर, किसको डालने वाले हो, ओर को, कंसंट्रेटेड ओर को, क्लियर है ना। ये पार्ट भी इसका कंप्लीट कर देता हूँ मैं। क्या ना भाई, तो यहाँ पे चलो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ होल्स कुछ एयर को, बीच में इसका जो मिडिल पार्ट होता है ना वहाँ पे कुछ एयर होल्स होते हैं, जैसे ये एयर होल्स बना रहा हूँ मैं। इन एयर होल्स को क्या करते हैं, हम रोस्टिंग की प्रोसेस करते हैं तो ओपन कर देते हैं, और कैल्सिनेशन की प्रोसेस करते हैं तो क्लोज कर देते हैं, ठीक है ना। इनको क्या बोलेंगे आप, एयर होल्स, क्लियर है। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर करते हैं, इनको नोट कर देता हूं मैं, एयर होल्स।
और ये है आपका फ्यूल स्टेशन या फायर स्टेशन, यहाँ पर फ्यूल जलता है, ठीक है ना। फ्यूल चलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ से हीट रेज होगी, हीट निकलेगी तो यहाँ से और इसके ऊपर इस कॉनकेव रूप से इसके ऊपर गिरेगा तो यहाँ पर इसमें कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की प्रोसेस कंप्लीट होगी। ओके, तो ये जो है ये है आस, यानी कि जो फ्यूल आपका यहाँ पे कंबस्टन हो रहा है फ्यूल का, उससे आस जो निकलेगी वो यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी और जितना भी इम्प्योरिटीज़ निकलेंगी वो कहाँ से निकलेंगे, ये इसका एग्जिस्ट पॉइंट है, ठीक है ना। तो ये जो फिगर है वो है रिवर्बरेटरी फर्नेस का, ये फिगर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है ना। चलो इस रिवर्बरेटरी फर्नेस के बारे में थोड़ा सा मैं नोट कर देता हूँ किस तरह का ये होता है और आपको कहाँ कहाँ पर ये काम आता है। तो देखो, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग प्रोसेस डन, रोस्टिंग प्रोसेस डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस। इस रिवर्बरेटरी फर्नेस के अंदर कैल्सिनेशन और रोस्टिंग की जो प्रोसेस होती है उसको कंप्लीट किया जाता है। अब देखो, यहाँ पर जो ओर होता है, कंसंट्रेटेड ओर होता है, उसको इस वरेटरी फर्नेस के बेस पर रखा जाता है। कहाँ पर रखा जाता है? बेस पर रखा जाता है। तो नोट कर देता हूँ मैं, कंसंट्रेटेड ओर आर कैप्ट एट द आर कैप्ट या इच कैप्ट लिखो, इच कैप्ट एट द बेस ऑफ फर्नेस, ठीक है ना। इसके बेस पर रख दिया हमने। अब इस फर्नेस की जो रूफ होती है, मैं अभी आपको बता रहा था, ये जो रूफ होती है वो कैसी होती है, कॉनकेव लाइक होती है, वॉल्टेड बोल सकते हैं, कॉनकेव बोल सकते हैं। द रूफ, यहां से लिख दूं, द रूफ ऑफ द फर्नेस इज कॉनकेव, ठीक है ना। मैं कॉनकेव लिख नोट कर रहा हूं, इसकी रूफ कैसी है, कॉनकेव। फ्यूल इज बर्न्ड इन सेपरेट प्लेस। अब यहां पर देखो, ये चीज ध्यान में रखना है, इसके अंदर जो फ्यूल होता है स्टूडेंट्स, वो फ्यूल सेपरेट प्लेस पर बर्न होता है और सेपरेट यहाँ अलग प्लेस पर, है ना। और यहाँ से फ्यूल जब बर्न हो जाएगा तो इसकी जो हीट है वो हीट इसके अंदर पास होगी और हीट पास होगी तब किसके कांटेक्ट में आएगी, ओर के कांटेक्ट में आएगी हीट, और हीट जब ओर के कांटेक्ट में आएगी स्टूडेंट्स तो वहाँ पर कुछ प्रोसेस होंगी, कैल्सिनेशन की हो चाहे रोस्टिंग की हो, ठीक है ना। तो आगे नोट कर देंगे हम, फ्यूल इज बर्न्ड इन ए सेपरेट प्लेस, फ्यूल इज फायर को मैं यहां लिख देता हूं फायर, बर्न्ड एट सेपरेट प्लेस। फ्यूल तो सेपरेट प्लेस पर बर्न होता है एंड इट इज नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ओर, इट इज नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद ओर, ये ओर के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होता क्या, फ्यूल, ठीक है ना। हॉट फ्लेम्स प्रोड्यूस्ड बाई बर्निंग ऑफ फ्यूल, हॉट फ्लेम्स प्रोड्यूस्ड
प्रोड्यूस्ड, ये साइन आप इस तरह से बना लो, हॉट फ्लेम, फ्लेम्स प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल, यहाँ पर जो ये फ्यूल है ये बर्न हो रहा है, यहाँ से हॉट फ्लेम यहाँ प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। और अब ये जो हॉट फ्लेम होंगी स्टूडेंट्स, ये क्या करेंगे, प्ले ओवर, प्ले हीट मटेरियल बाय गेटिंग डिफ्लेक्टेड, प्ले ओवर द मटेरियल, प्ले ओवर द मटेरियल, मटेरियल बाय गेटिंग डिफ्लेक्टेड, बाय गेटिंग डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड फ्रॉम द कॉनकेव रूफ, फ्रॉम द कॉनकेव रूफ। अच्छा, इसके अंदर अगर हमको एयर पास करनी है या नहीं करनी है, इसको किसके द्वारा कंट्रोल करेंगे, एयर होल्स के द्वारा, ठीक है ना। एयर पास करनी है या नहीं करनी है, इसको कहाँ से कंट्रोल करेंगे, एयर होल्स से। फ्लो ऑफ एयर इन फर्नेस, फ्लो ऑफ एयर इन फर्नेस इज कंट्रोल बाय, इज कंट्रोल बाय प्रेजेंस ऑफ, प्रेजेंस ऑफ एयर होल्स। ये जो एयर होल्स हैं इनके थ्रू हम एयर को पास करना है, फर्नेस में नहीं करना है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है ना। ड्यूरिंग कैल्सिनेशन होल्स आर क्लोज्ड, जब कैल्सिनेशन कर रहे हो आप लोग, ड्यूरिंग कैल्सिनेशन होल्स आर क्लोज्ड, जब कैल्सिनेशन कर रहे हैं तो होल्स को क्या कर दो, क्लोज कर दो। और लेकिन जब क्या कर रहे हो, रोस्टिंग कर रहे हो, तो होल्स को क्या कर दो, ओपन कर दो, ठीक है ना। वी आर एस ड्यूरिंग रोस्टिंग, वी आर एस ड्यूरिंग रोस्टिंग होल्स आर ओपन्ड, होल्स को क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, ठीक है ना। तो ये रिवर्बरेटरी फर्नेस होती है, ढंग से चेक कर लो। इसमें जो फायर होती है यानी कि जो फ्यूल होता है, उस फ्यूल को सेपरेट रखते हैं किससे, ओर से, ओर अलग जगह पर होता है। ओर कहाँ से गिरता है, इसकी जो कॉनकेव रूफ होती है वहाँ से गिरता है, जो इसके बेस पर आके रखता है। यहाँ से जो फायर एग्जस्ट होती है स्टूडेंट्स, उससे जो फ्लेम निकलती हैं वो फ्लेम इस रूफ से जाकर टकराती हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इसका जो टेम्परेचर होता है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो इसके अंदर, ओर्स के अंदर जितनी भी वोलेटाइल जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो यहाँ से एग्जस्ट हो जाती हैं, क्लियर है ना। अब अगर इसके अंदर हम कैल्सिनेशन की प्रोसेस को कर रहे हैं तो हम इन एयर होल्स को क्लोज कर देंगे, और अगर रोस्टिंग की प्रोसेस कर रहे हैं तो एयर होल्स को हम ओपन कर देंगे। ये रिवर्बरेटरी फर्नेस में आपको लर्न करना है। तो इसका फिगर और इसके अबाउट, ये जो इसका फिगर के अबाउट में यहाँ पर नोट किया है वही लिखा है जो यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहा है, तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स देखो, इसके बाद रिवर्बरेटरी फर्नेस के बाद अब हम चेक करते हैं स्लैग, स्लैग कह सकते हैं, फ्लक्स कह सकते हैं उसको, क्या बोल सकते हैं हम, फ्लक्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब रोस्टिंग और कैल्सिलेशन आप कर लेते हो कंसंट्रेटेड ओर का,
तो उस कंसंट्रेटेड ओर के अंदर से जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ होती हैं इंस्ट्रूमेंट्स, वो तो रिमूव हो जाती हैं, लेकिन कुछ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ अब भी रिमेन्स होती हैं इस कंसंट्रेटेड ओर में, ठीक है ना। जो आपका कंसंट्रेटेड ओर है वो अब कन्वर्ट हो गया है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद मेटल ऑक्साइड में। इस मेटल ऑक्साइड के साथ कुछ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ अब भी प्रेजेंट होती हैं, और इन इम्प्योरिटीज़ को यहाँ से हमको रिमूव करना है, और रिमूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट का। और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ हम इम्प्योरिटीज़ मतलब रिडक्शन करेंगे, किसका, मेटल का रिडक्शन करेंगे। लेकिन मेटल का तो रिडक्शन हो जाएगा, बट यहाँ से इम्प्योरिटीज़ तो रिमूव होनी चाहिए। तो उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज़ करते हैं वो इन फ्यूजिबल जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको रिमूव करने का काम करता है, उसको बोलते हैं हम फ्लक्स इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है ना। तो देखो हमारे पास क्या होता है, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है ना, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन ओर, रोस्टिंग ओर आ गया अपने पास। और इस रोस्टिंग ओर के अंदर अब भी क्या प्रेजेंट है, कुछ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज हैं जिनको हम क्या लिख सकते हैं, गैंग, ठीक है ना। और इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे स्टूडेंट्स, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस इन इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के लिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे, फ्लक्स का, किसका यूज करेंगे, फ्लक्स का, क्योंकि हमको इम्प्योर मेटल ऑब्टेन करनी है ना। तो इम्प्योर मेटल ऑब्टेन करने के लिए जो मेटल ऑक्साइड आपको यहाँ पर ऑब्टेन हुआ है उसका रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, तो आपको इम्प्योर मेटल ऑब्टेन होगा। तो आपको इम्प्योर मेटल तो ऑब्टेन हो गया, साथ में यहाँ से जो गैंग है उनको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फ्लक्स का। ये इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं, और फ्लक्स जो होता है इनको कन्वर्ट कर देता है फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ में, क्या, फ्यूजिबल सब्सटेंस में। और फ्यूजिबल सब्सटेंस में जब ये इनको कन्वर्ट कर देता है तो आपको यहाँ पर क्या ऑप्शन हो जाती है, इम्प्योर मेटल। मेरी बात को दोबारा से समझो, बड़े ध्यान से सुनो मेरी बात को, कि रोस्टिंग और कैल्सिनेशन के बाद जो मेटल आपको ऑप्टेन हुई है वो ऑक्साइड की फॉर्म में ऑप्टेन हुई है, ये क्लियर है, मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में आपको ऑप्टेन हो चुकी है। अब ये जो रोस्टिंग ओर है स्टूडेंट्स, इसके अंदर कुछ इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज अब भी प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब इस रोस्टिंग और कैल्सिनेटेड जो ओर है इससे आपको इम्प्योर मेटल ऑप्टेन करनी है, तो इसका आपको रिडक्शन कराना पड़ेगा किसी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से। तो हम रोस्टिंग ओर से इम्प्योर मेटल ऑब्टेन कर रहे हैं तो हम स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट से उसका रिडक्शन करा रहे हैं, तो हमको यहाँ पर इम्प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाती है। बट इन इम्प्योरिटीज़ का क्या करें, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं जो इनफ्यूजिबल हैं इनको रिमूव करने के लिए हम एक सब्सटेंस का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फ्लक्स। वो फ्लक्स इन फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ को फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ में कन्वर्ट कर देता है, और ये जो फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज होती हैं ये इस इम्प्योर मेटल के ऊपर ये गैंग और फ्लक्स, यहाँ पर जो गैंग है वो इनफ्यूजिबल है, ठीक है ना। इन इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए इसमें ऐड कर दिया क्या, फ्लक्स, ठीक है ना। अब ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं ये कैसी हो गई, फ्यूजिबल, क्लियर, फ्यूजिबल हो गई। आपकी जो मेटल है वो तो रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू किस में कन्वर्ट हो चुकी है, इम्प्योर मेटल में। अब ये जो फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज़ हैं ये फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज स्टूडेंट होती हैं लाइट इन वेट, और वेट में लाइट होने के कारण ये जो मेटल आपकी इम्प्योर आपको ऑब्टेन हुई है, इस इम्प्योर मेटल की जो सरफेस है उस सरफेस पर क्या करती हैं, ये फ्लोट करती हैं। समझ में आ गई बात, जैसे
आपकी यहाँ ये कोई कंटेनर था, इस कंटेनर के अंदर आपने क्या ले लिया, रोस्टिंग ओर डाल दिया। रोस्टिंग ओर डालने के साथ साथ उसमें कुछ रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड कर दिया, और रिड्यूसिंग एजेंट को ऐड करने पर आपको यहाँ पर ये ऑब्टेन हो चुकी है क्या, इम्प्योर मेटल। ये इम्प्योर मेटल आ गई आपके पास। अब इस इम्प्योर मेटल में से स्टूडेंट्स हमको गैंग को कैसे रिमूव करना है, तो इसके अंदर हमने क्या क्या और डाल दिया, फ्लक्स डाल दिया। क्या डाल दिया हमने, फ्लक्स डाल दिया, क्योंकि इसमें अंदर जो इम्प्योरिटी है वो सब कैसी थी, इन्फ्यूजिबल। तो फ्लक्स ने इन इन्फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को कन्वर्ट कर दिया किसमें, फ्यूजिबल में। अब फ्यूजिबल जब ये हो चुकी हैं तो स्टूडेंट्स ये जो इम्प्योरिटीज हैं इनका वेट कैसा होता है, लाइट होता है, तो ये इस मेटल की सरफेस पर यहाँ पर फ्लोट करने लगती हैं। जब ये फ्लोट करने लगती हैं तो इनको टाइम टू टाइम यहाँ से क्या कर दिया जाता है, लाइट होती है वेट में, मेटल तो नीचे जमी होती है और ऊपर इम्प्योरिटीज तैर रही हैं, तो इनको क्या कर दिया जाता है, यहाँ से टाइम टू टाइम सारी की सारी इम्प्योरिटीज को रिमूव कर लिया जाता है, यानी कि ऊपर जब तैरती रहती है तो वहाँ से इनको हटा लिया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो फ्लक्स होता है वो इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को रिमूव करने के काम आता है, जब आप मेटल ऑक्साइड का क्या कर रहे हो, रिडक्शन कर रहे हो, ठीक है ना। अब ये जो फ्लक्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये फ्लक्स टू टाइप्स के होते हैं। फ्लक्स कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। पहली बात तो फ्लक्स के बारे में पता लग गया ना, फ्लक्स क्या करेगा, फ्लक्स क्या करेगा, इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट कर देगा। जो मेटल, जो इम्प्योर मेटल होती है उससे लाइट इन वेट होती है, इसलिए उसकी सरफेस पर क्या करता है, उनको फ्लोट करा लेता है, तैरा देता है, तो टाइम टू टाइम वहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ये जो फ्लक्स होता है स्टूडेंट्स, ये टू टाइप्स का होता है। कितने प्रकार का है, टू टाइप्स का है, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। देखो एसिडिक फ्लक्स का यूज तो करते हैं हम बेसिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में, और बेसिक फ्लक्स का यूज करते हैं हम एसिडिक इम्प्योरिटीज को रिमूव करने में। समझ में आ रही है बात। फ्लक्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, टू टाइप्स के, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स का यूज तो करेंगे, बेसिक इम्प्योरिटीज अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो उसके अंदर हम एसिडिक फ्लक्स डाल देंगे। एसिडिक फ्लक्स में मोस्टली यूज किया जाता है SiO2, ये एसिडिक फ्लक्स है, ठीक है ना। तो उसका यूज करेंगे तो टोटल बेसिक इम्प्योरिटीज हैं वो सिलिकेट की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। किसकी फॉर्म है, सिलिकेट्स की फॉर्म है, ठीक है ना। अगर इसके अंदर बेसिक इम्प्योरिटीज है तो एसिडिक फ्लक्स का यूज कर लिया, और अगर एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो बेसिक फ्लक्स का यूज करेंगे। और बेसिक फ्लक्स की यूज रूप फॉर्म में आप लोग कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड इसका यूज करते हो, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स मैं फ्लक्स के बारे में आपको कंप्लीटली नोट करता हूँ, आप लोग अपने दिमाग में बिल्कुल सेट कर लो फ्लक्स का काम क्या हो गया। फ्लक्स का काम हो चुका है इनफ्यूजिबल जो इम्प्योरिटीज हैं रोस्टिंग ओर के अंदर, उनको फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज में कन्वर्ट कर देगा, और फ्यूजिबल इम्प्योरिटीज जो होती हैं वो लाइट एंड वेट होती हैं, इसलिए ये मेटल की सरफेस पर फ्लोट करने लगती हैं, जहाँ से टाइम टू टाइम इनको रिमूव कर दिया जाता है। तो फ्लक्स का काम हो गया इनफ्यूजिबल इम्प्योरिटीज को रिमूव कराना, ठीक है ना। अब फ्लक्स जो होते हैं स्टूडेंट्स वो टू टाइप्स के होते हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स। एसिडिक फ्लक्स का काम तो जब लेते हैं हम तब यूज करते हैं जब हमारे उस ओर्स के अंदर अगर बेसिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हैं, और अगर इस ओर्स के अंदर एसिडिक इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है तो बेसिक फ्लक्स का यूज़ करेंगे। क्लियर। जो चलो इनके बारे में नोट करते हैं, बिल्कुल क्लियर हो चुका है आपको, ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर हो चुका है ना भाई। आपके पास क्या था, हमारे पास रोस्टिंग ओर था, रोस्टिंग ओर के साथ कुछ गैंग्स प्रेजेंट थी, यानी कि इम्प्योरिटीज प्रेजेंट थी, और उन इम्प्योरिटीज़ को अब हमको रोस्टिंग ओर को कन्वर्ट करना था किसमें,
इम्प्योर मेटल में कन्वर्ट करने के लिए हम रोस्टिंग ओर का क्या करते हैं स्टूडेंट्स, रिडक्शन करते हैं किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से, ठीक है ना। रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से जब हम इसका रिडक्शन करते हैं रोस्टिंग ओर्स का, तो हमको इम्प्योर मेटल ऑब्टेन हो जाती है। बट यहाँ पर जो गैंग प्रेजेंट होती है स्टूडेंट्स, ये गैंग होती हैं कैसी, इनफ्यूजिबल गैंग्स को एक सब्सटेंस यूज करते हैं, एक सब्सटेंस ऐड करते हैं जिसको क्या बोलते हैं हम, फ्लक्स इनको कन्वर्ट कर देता है फ्यूजिबल गैंग्स में। और फ्यूजिबल गैंग्स जो होता है ये, इसको ही क्या बोलोगे आप, स्लैग। फ्यूजिबल जो गैंग्स हैं इनको ही क्या बोल रहे हो आप, स्लैग। स्लैग कैसा होता है, लाइट इन वेट होगा तो ये क्या करेगा, मेटल सरफेस पर क्या कर जाएगा, फ्लोट कर जाएगा। तो यहाँ से आप इसको टाइम टू टाइम क्या करते रहोगे, रिमूव करते रहोगे, ठीक है ना। ये फ्लक्स का काम हो गया। फ्लक्स टू टाइप्स के हैं, एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स, ठीक है ना। एसिडिक फ्लक्स में यूज़ करते हो आप लोग SiO2 का, बेसिक फ्लक्स में यूज़ करते हो आप कैल्शियम ऑक्साइड मैग्नीशियम ऑक्साइड का। और ये जो फ्लक्स होते हैं स्टूडेंट्स, ये स्लैग जो बनाते हैं वो स्लैग होते हैं मेटल सिलिकेट के, किसके, मेटल सिलिकेट के। कोई भी सिलिकेट्स फॉर्म हो जाएगा उसके फॉर्म में यहाँ से ये रिमूव हो जाएंगे, ठीक है। फ्लक्स के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी मिल चुकी है, फ्लक्स को ढंग से चेक करिए। फ्लक्स के अंदर से एग्जांपल पूछ लिए जाते हैं, एसिडिक फ्लक्स का एग्जांपल, बेसिक फ्लक्स का एग्जांपल। ओके स्टूडेंट्स, चेक करिए ढंग से। ओके।